गुना जनपद अधिकारियों की सांठगांठ से पंचायत में लाखों रुपया की राशि का गबन। गुना ग्राम मावन में पंचायत में वरिष्ठ इंजीनियर पंचायत सचिव मीनू जैन सरपंच और अधिकारियों की मिलीभगत से पंचायत का पैसा हो रहा है गोलमाल। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ग्राम में कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। जनता को पानी की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है। पानी की समस्या को लेकर कई बार गाँव वासी पंचायत में जाते हैं तो पंचायत सचिव उनको वहां से भगा देती हैं और उनसे ठीक तरह से बात नहीं करती हैं और कई दिनों तक पंचायत भवन बंद रहता है। उनके पास ना ही शौचालय है और ना ही आवास है। सवाल उठता है कि शौचालय आए थे वो कहां चले गए और उनकी राशि जनता को मिली नहीं और महिलाओं को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। इसके कारण उनको बहुत सी समस्याएं आती हैं। इसकी जानकारी देते हुए जनपद पंचायत अधिकारी गौरव खरे को दी तो उन्होंने अनसुना कर दिया। जनता की समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। लगता है शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। देखिए गुना से शैलेंद्र प्रजापति की रिपोर्ट। राम मावन है, यहाँ पर लोगों की बहुत सारी समस्याएं। क्या नाम है आपका? भाई आप हमें बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके गांव में? पानी नहीं है, पानी पीने को पैसन से ले रहे हैं। यहाँ पर क्या है, व्यक्ति को पानी नहीं है बिल्कुल भी और पानी जो ले रहा है पैसों से लेना पड़ रही है इनके लिए। आपने इसकी शिकायत पंचायत सेक्रेटरी से की? कही थी नहीं सुने और लेटरिन बाथरूम नहीं है भैया। इनका कहना है कि शौचालय भी नहीं है। इन्होंने शिकायत पंचायत सेक्रेटरी से की लेकिन पंचायत सेक्रेटरी का जवाब सुनने को ये मिलता है कि इनको भगा दिया गया है कई बार। और जो देखा जाए तो यहाँ पे पंचायत भवन भी बंद रहता है। बंद भी है वो? पंचायत भवन बंद भी है। यानी कि इनका कहना है कि जो व्यक्ति अपनी शिकायत को लेकर जाता है पंचायत भवन में, वहाँ के सरपंच, रोजगार सहायक और जो सेक्रेटरी रहते हैं ना, इन लोगों को भगा देते हैं। पब्लिक की कोई भी सुनवाई नहीं है यहाँ पर। अच्छा, शौचालय भी नहीं आया आप लोगों का? नहीं आए। इनका कहना है, क्या नाम है आपका? गीताबाई। जोर से बोलते हुए गीताबाई। अच्छा, तो शौचालय भी नहीं आया इनका? पानी तो कहाँ जाना पड़ता है आपके लिए शौचालय? जंगल। यानी कि जंगल में जाना पड़ता है इन लोगों के लिए। तो इसका नतीजा ये कि मतलब गवर्नमेंट ने कितनी राशि खर्च करते हुए की है लेकिन इसका निर्णय ये निकला है कि जो यहाँ के पंचायत सच्चे में सुनने के लिए तैयार नहीं है और अपनी मनमानी करने में लगे हुए हैं। ये सही कहना है ना मेरा? कहीं नहीं यार, तो मतलब जो पंचायत के लोग हैं सुनवाई नहीं करते आप लोगों की और उनको पानी की भी नहीं है। और आप देख सकते हो सड़कों पर पानी फैला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो पानी बिल्कुल फैला हुआ है और जो सोख्ता पिट गड्ढों का निर्माण किया जाना था और कम से कम देखा जाए तो वो भी निर्माण पूरा नहीं हुआ है, अधूरा का अधूरा पड़ा है और पूरी राशि वेस्टेज चली गई है। मतलब जो गवर्नमेंट ने एसटी एक्ट के अंतर्गत तो बहुत सी इनके लिए एक तरीके से बात की जाए तो यानी कि शौचालय निर्माण है, पानी की व्यवस्था कराना है, इन तक कुछ भी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं पहुंच नहीं पा रही हैं। तो मतलब आपका शौचालय नहीं आया अभी तक? नहीं आया हमारे को, ना लेटरिन बाथरूम कुछ नहीं है, ना हमारे कुटिया है हमारे पास कुछ नहीं है। तुम तो सेम जा कर मतलब आवास आना चाहिए था लेकिन इनके लिए आवास भी नहीं आया। इसकी शिकायत आपने पंचायत सेक्रेटरी वगैरह से पूछ लाई? हमने कहा ना तुम्हारे काट ले नहीं है, कोई नहीं सुना। मतलब कोई सुनवाई नहीं है। सीधी सी बात है कि पंचायत सेक्रेटरी से बोला, सरपंच से बोला, रोजगार सहायक से बोला तो उन लोगों को क्या है कि भगा देते हैं और पंचायत भवन भी बंद रहता है। तुम तो घर चल कर देखो। नहीं मैं कहते थे आदिवासी है ना, कुटी भी आएगी, लेटरिन बाथरूम भी आएगी, हमें कुछ नहीं है। मतलब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं जो आदिवासी हैं लेकिन आदिवासियों के लिए देखा जाए तो यहाँ पर इनके लिए कुछ भी नहीं है। राइट, सही है ना? हाँ, तुम घर चल कर आने के देखा मेरे घर कुछ भी मिला और कोई से पूछ लो। मैंने तो है ना ऐसे मजदूरी करके टपर के बना, मेरे घर रह बेचेगा नहीं। चल कर देख ले मेरे घर कुछ भी मिल जाए। ठीक है, अभी देखते हैं। हाँ।